को सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या, ए बराबर 1 11 प्लस 2 √30 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो साथियों दिया है क्वेश्चन में क्या कि ए बराबर कितना है, 11 प्लस 2 √30 है, और हमको निकालना क्या है, √a + 1/√a। तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहे √a + 1/√a निकालना रहे, और a का वैल्यू दिया रहा है, a का वैल्यू लेकिन हमको रूट में निकालना रहे। हमको रूट में निकालना रहे तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो निकालना है उसको के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के है ये, तो इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पर क्या पाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर यदि इसका करें √a + 1/√a का होल स्क्वायर, इधर क्या है के का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी √a का होल स्क्वायर प्लस 1/√a का होल स्क्वायर और प्लस 2 √a × 1/√a बराबर के स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कट गया यानी a + 1/a + 2 बराबर के स्क्वायर। तो यहाँ से साथियों a + 1/a निकालते हैं, a बराबर इतना है 2√30, तो 1/a कितना हो जाएगा, 1/11 + 2√30। इसको रेशनलाइज करें तो 11 − 2√30 और नीचे हो जाएगा 11 − 2√30। तो 11 a + b और a − b में है, तो a² − b² यानी 11² = 121 माइनस 2 × 4 3 × 120 यानी 1 बचा ऊपर, यानी a + 1/a करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 + 2√30, इधर कितना हो जाएगा 11 − 2√30। तो यहाँ 2√30 कट गया यानी a + 1/a बराबर कितना होगा, 22 हो गया। तो a + 1/a बराबर 22 और यहाँ कितना 2 बराबर के स्क्वायर यानी 24 बराबर के स्क्वायर। तो के का मान कितना हो जाएगा साथियों, के बराबर √24 यानी 2 × 4 2√6 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के प्रश्न को इसी तरह हल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग मुरली और कार्तिक की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो सीधे सिंपल मेथड से चलते हैं, मुरली मुरली और क्या है कार्तिक, कार्तिक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु वर्तमान मान ली इसका 2x हुआ होगा, तो इसका क्या है 3x, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद देखिए इसका यदि 3x होगा तो इसमें भी 3x बाद में परिवर्तन आएगा, इसमें भी 3x बाद बढ़ेगा, और इसी दोनों का रेशियो दिया है 3:4। तो यानी इसको क्या कर सकते हैं, 2x + 3 / 3x + 3 बराबर कितना दिया है 3/4, क्योंकि दोनों में 3 साल का वृद्धि होगा, जब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 × 2x + 3, इधर क्या होगा 3 × 3x + 3, तो इधर कितना होगा साथियों, 4 × 2 = 8x + 4 = 12 बराबर 3 × 9 x + 3 = 9। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो गया साथियों, एक्स बराबर 3 आ गया। तो एक्स बराबर 3 यानी मुरली की वर्तमान आयु कितना है 2x है, तो 2x = 2 × 3 यानी 6 वर्ष हो गया। अब डायरेक्ट भी नहीं तो निकाल सकते हैं, देखिए मुरली और कार्तिक का क्या दिया था, वर्तमान आयु दिया था 2:3, 3 वर्ष बाद उसके आयु में कितना का अनुपात हो जाता है, 3 वर्ष बाद 3:4 यानी कितना का बढ़ा, यहाँ भी एक बढ़ा, यहाँ भी एक बढ़ा, यानी दोनों सेम डिफरेंस पर है, तो वर्ष भी सेम ही होगा क्योंकि 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो दोनों में सेम ही का बढ़ोतरी होगा, रेशियो में भी सेम ही का बढ़ोतरी होगा होना चाहिए। यदि नहीं ऐसा होता तो ये वाला नहीं बनाते, या तो बराबर करते हैं या तो इससे नहीं बढ़ाते, इससे ही बढ़ाते हैं। तो यहाँ दोनों में सेम बढ़ोतरी हो रहा है, एक एक बढ़ोतरी हो रहा है, वर्ष में भी सेम बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 1 = 3 दिया है। तो यहाँ से 2 बराबर कितना हो गया 6 वर्ष, 3 = 9 वर्ष। यदि मुरली का पूछता तो 6 वर्ष होता, कार्तिक का पूछता वर्तमान है तो 9 वर्ष होता, क्योंकि 1 3 को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो 2 2 कितना होगा 6 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है
एक्स स्क्वायर माइनस नौ रूट थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर माइनस थ्री का होल क्यूब निकालना, यानी निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। यदि दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस नौ रूट थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो इधर देखिए साथियों, इसको यदि सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर उधर जाएगा तो नौ रूट थ्री एक्स, एक्स से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, डिवाइड डिवाइड बाई एक्स, एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन क्या करते हैं बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या पता चलता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना होगा, नौ रूट थ्री हो गया। अब हमको निकालना क्या है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू होता है, पता है आपको कि हम फार्मूला लिखाए थे एक सेशन में कि क्यू माइनस थ्री क्यू होगा। तो यदि नहीं आप ऐसे करेगा तो इसको स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, एक्स प्लस वन बाई एक्स की तो होल क्यूब करिए और नाइन रूट थ्री का होल क्यूब, ऐसे भी आएगा लेकिन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक्स एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर के क्यू माइनस थ्री क्यू, के क्यू कितना होता है, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के रहे तो एक्स क्यू प्लस, तो यानी एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होता है, के क्यू माइनस थ्री क्यू, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर नौ रूट थ्री दिया है, तो नौ रूट थ्री के होल क्यू माइनस थ्री इंटू नौ रूट थ्री, यानी नौ को तीन बार पढ़ते हैं तो नौ नौ इक्यासी नमा सात सौ उनतीस, सात सौ उनतीस इंटू तीन, तो उनतीस सतासी, सतिया इक्कीस, यानी इक्कीस सौ सतासी रूट थ्री माइनस नौतीस सत्ताईस रूट थ्री, यानी कितना हो गया आंसर साथियों, इक्कीस सौ साठ रूट थ्री हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं, एक्स वाला को डिवाइड करके ही बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है, कुछ छात्रों के कक्षा के औसत अंक 45 है लेकिन बाद में दो अन्य छात्रों के अंक कक्षा में शामिल किया जाता है तो कक्षा के औसत अंक समान रहते हैं, तो जोड़े गए दो नए छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कुल छात्र औसत होता है क्या चीज, औसत होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ पर क्या दिया है साथियों, यहाँ पर दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, कुल कुछ छात्रों को पता नहीं है कि छात्र कितना है लेकिन औसत अंक उसका दिया है 45, यानी 45 है हमको पता नहीं है, तो एक संख्या होगा कुल संख्या छात्रों का, तो कुल योग कितना होगा, कुल योग, कुल योग हो जाएगा यहाँ से बराबर 45x। यदि लेकिन जब नौ दो नए छात्रों कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा के औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दो नए छात्र शामिल हो यानी 45x कुल योग प्लस b1 प्लस b2 दो नए छात्र हुए हैं तो कितना टोटल संख्या हो गया 47, लेकिन औसत में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया, यानी औसत पहले था जो पहले ही रहेगा, यानी सॉरी यहाँ देखिए हम गलत क्या किए हैं, देखिए पहले से तो एक स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट और बढ़ा, यानी स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गया एक्स प्लस टू, क्योंकि पहले हम एक्स माने थे, यहाँ तो नंबर नहीं ने दिया है कितना स्टूडेंट पहले था, लेकिन ये दिया है कि औसत समान रहता है, यानी औसत समान कर दिए दो स्टूडेंट को जोड़ दिए, तो यहाँ से देखिए 45x प्लस b1 प्लस b2 बराबर कितना होगा 45 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ से 45x प्लस b1 प्लस b2 बराबर 45x प्लस 90, यहाँ 45x कट गया, यानी b1 प्लस b2 दोनों का योग का सम कितना होगा, योग कितना हो गया 90। अब पूछ रहा है दोनों नए छात्रों के औसत अंक, तो औसत कितना होता है जो योग कुल संख्या का योग बटा नंबर ऑफ संख्या, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत औसत निकालेंगे तो कुल योग 90 है, कितने संख्या, दो संख्या, यानी 45 हमारा औसत हो गया। तो इस तरह का प्रश्न ऐसे बनाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 44 सेंटीमीटर परिधि आधार की परिधि और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के समवृत्तीय शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु कुछ ऐसे है, कुछ शंकु ऐसे बनाते हैं, क्या किए ए बी सी, एक शंकु है जिसमें 44 सेंटीमीटर आधार की परिधि, ये जो परिधि दिया है बेस वाला, इसका आधार का परिधि कितना 44 है और इसका ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है,
24 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है क्या साथियों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल होता है, पार्श्व क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर क्या यहाँ पर रेडियस हुआ, एल हुआ स्लैंट हाइट, ये वाला स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हुआ। तो ये हमको निकालना है, तो हमको पता है कंडीशन, ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है, तो ये तीनों में रिलेशन होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आर तो पता नहीं है, कम से कम एक भरी एच तो पता है, लेकिन आर और एल दो गो अननोन है। लेकिन आर के लिए यहाँ पर दिया है कि 44 सेंटीमीटर आधार की परिधि, यानी उसका क्या दिया, परिधि दिया, यानी परिधि क्या होता है सर्कल का, 2πr 2 × 22/60 × r बराबर 44, यानी 2 × 44 r बराबर कितना आया, 7 आया, r 7 आया। तो l बराबर कितना आएगा, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी l h बराबर 24 के होल स्क्वायर प्लस 7 के होल स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, जोड़ें तो कितना आया 625, यानी l बराबर कितना आया 25। अब इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको रखते हैं, तो 22/7, आर कितना लाएँ 7, यहाँ से आर कितना लाएँ 7, एल कितना लाएँ यहाँ से, एल बराबर 25, तो एल को 25 मान रखते हैं, यहाँ से गुना करते हैं 25 को 22 से, गुना करते हैं 25 को 22 से, तो 25 × 50, 25 × 50, यानी हमारा कितना आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते होंगे साथियों, समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा। यदि इसका यदि वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम पूछे तो क्या होगा, 1/3πr²h, 1/ कवर्ड सरफेस एरिया तो बना दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया तो πr² ये बात याद रखिएगा। और यदि सिलेंडर में से 1/3 यूनिट इसको घटाते हैं तो ये मिलता है, सिलेंडर को 1/3 टाइम्स, इसको देखिए 3 बार 3 यूनिट कोन को हटाते हैं, ये एक कोन बनेगा, ये एक कोन बनेगा, ये एक कोन बनेगा, ये एक कोन बनेगा, तो 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का πr²h, सिलेंडर का πr² होता है वॉल्यूम, और इसका 1/3 टाइम्स होता है। तो इस तरह समझ गए होंगे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, अगला यहाँ प्रश्न हम देख रहे हैं, AD वृत्त का व्यास है, AD क्या है, वृत्त का व्यास है, और O केंद्र है, O क्या है, केंद्र यहाँ पर, और BO की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो OC की लंबाई क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर OC रेडियस है, ये भी रेडियस। तो साथियों देखिए, यहाँ पर यदि हम इसको माने, यदि इसको ऐसे मिलाते हैं, क्योंकि एंगल इन्हें सेमी सर्किल, एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल कुछ बनाते हैं, देखिए आपको सर्किल बनाते हैं, सर्किल को बनाते हैं, तो क्या देखिए, ये आर है। यदि एक सर्किल में ये क्या डायमीटर है, यानी ए और डी डायमीटर है, तो जो केंद्र यहाँ पर कोण पर बनेगा, यहाँ पर सर्किल के टच पर यहाँ पर जो कोण बनेगा ए और डी, ये 90 डिग्री होता है। तो यदि इसको मिलाते हैं हम, देखते हैं करके इसको निकालते हैं, तो ये 90 डिग्री तो हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हमको निकालना क्या है, OC का लंबाई, हमको क्या निकालना, OC का लंबाई, OC बराबर यानी R है, OA बराबर R है, यानी R का लेंथ निकालना है। तो देखिए साथ, यहाँ पर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में CAO में, और क्या चीज़ सोचें, ये 90 डिग्री, देखिए ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस, यानी ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा इस ट्रायंगल में, COD ट्रायंगल में, यदि बात करें ट्रायंगल COD में, देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर है, तो यानी ये थीटा 60 + θ + θ बराबर सभी कोणों का योग 180 डिग्री, यानी 2θ बराबर कितना होगा 180 - 60, यानी 120 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा साथियों, यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये 60, तो ये वाला 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, कहने का मतलब ये आर, तो ये भी आर, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हमको दिया क्या चीज, BO की लंबाई दिया है, तो ये 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं इस त्रिभुज में, तो ये बाह्य कोण है, यानी CAO में, ट्रायंगल CAO में
सिंगल सीओओ में ओसीडी मतलब कि सीओडी बराबर एंगल ओएसी प्लस एंगल एसीओ मतलब एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कहने का मतलब है कि बाह्य कोण होता है बाह्य कोण क्या होता है आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण बराबर। तो यहाँ से देखिए साथियों ये 60 डिग्री है एंगल सी ओ डी कितना है 60 डिग्री है ये 60 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा तो एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी। तो सी ओ डी बराबर 60 डिग्री दिया है ओ सी ए बराबर हम 30 डिग्री निकालें तो एंगल ओ ए सी बराबर 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 30 डिग्री ये 37 ट्रैंगल में चलते ये 90 डिग्री हो गया ये क्या हो गया 90 डिग्री यानी इंट्रैंगल ए बी ओ में एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह ट्रैंगल बनाइएगा कैसे बनाइएगा ऐसे बनाते हैं देखिए ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल लिए हैं यहाँ लिए हैं तो देखिए ए ओ तो 90 डिग्री हो गया ये 90 डिग्री हो गया ए ओ बी एंगल ए 30 डिग्री हो गया और ए बी ओ ये 60 डिग्री हो गया ये 30 डिग्री हो गया। और यहाँ दिया है कि बी ओ बराबर कितना दिया है बी ओ बराबर 7 दिया है। हमको निकालना क्या रेडियस यानी ए ओ का लेंथ निकालना है तो हम टेन 60 लगाते हैं टेन 60 बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर यानी ए ओ बटा बेस ओ बी टेन 60 बराबर रूट थ्री और ए ओ बटा ओ बी कितना है ओ बी बराबर 60 यानी ए ओ बराबर कितना होगा 7√3। तो यहाँ से निकालना ए ओ क्या है एक्चुअली में ए ओ रेडियस है तो ए ओ बराबर 7√3। हमको निकालना क्या चाहिए हमको निकालना है ओ सी का लेंथ तो ये भी तो रेडियस है तो यानी 7√3 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का प्रश्न को ऐसे हल करते हैं इसको समझ गए होंगे। देखिए क्या किए इस त्रिभुज में चले नहीं तो ऐसे भी कीजिएगा ना इस त्रिभुज में चले ना तो देखिए क्या था ये 60 डिग्री था ये दोनों आपस में रेडियस बराबर था तो इस दोनों को कोण को कोण का मान 60 हो जाएगा तो ये 60 हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो डायमीटर के द्वारा यानी व्यास के द्वारा जो जो सर्किल के द्वारा जो सेक्टर थी यहाँ पर जो टच किया गया लाइन पर जो एंगल बनाता होगा क्या बनाता है 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनाया ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया ये 30 डिग्री हो गया तो देखिए ये भी 30 डिग्री हो कैसे तो ये रेडियस तो इसके सामने वाला भी आपस में भुजा कोण अथी क्या होता है सामने वाला भी आपस में बराबर होता है तो ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री हो गया 30 60 120 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया ये तो 120 डिग्री हो गया लेकिन हमको यहाँ नहीं चलना है यहाँ पर देखें 30 डिग्री है 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा साथियों ये हमारा इसमें ट्रायंगल में इस त्रिभुज में चलें बी ए ओ में तो ये 60 डिग्री है 30 डिग्री तो ये क्या होगा 90 डिग्री यानी ये क्या है राइट ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है ये बेस हो गया ये क्या होगा कर्न हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया बेस हो गया ये क्या हो गया कर्न हो गया तो टेन थर्टी बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर किसका टेन थर्टी बराबर परपेंडिकुलर क्या है साथियों यहाँ पर यदि कुछ ऐसे रखें देखिए टेन थर्टी यहाँ पर ए ओ बी बराबर कितना है 90 डिग्री और ओ ए बी बराबर 30 डिग्री रखें यहाँ पर इसको लिखे हैं और ए बी ओ बराबर कितना है 60 डिग्री तो टेन 30 लगाते हैं यानी टेन 30 लगाते हैं तो कितना होगा टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है अबेस ये है तो टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर टेन 30 बराबर यहाँ गड़बड़ा दिएगा टेन 60 लगाएं सॉरी टेन 60 बराबर टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस
अच्छा हम टेन सिक्सटी लगाएं तो टेन सिक्सटी बराबर कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये वाला लगाएं, टेन सिक्सटी बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, बेस ये वाला होता है, तो टेन सिक्सटी बराबर रूट थ्री, टेन सिक्सटी बराबर कितना होगा, यहाँ वाला यदि हम इसमें ए बी ओ में इस भुजा में इसके सामने वाला क्या होता है, नब्बे डिग्री होता है, तो टेन थर्टी टेन सिक्सटी बराबर परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा ओ बी है, तो यहाँ से देखिए यहाँ टेन सिक्सटी बराबर ए ओ बटा ओ बी लगाएं, तो यहाँ से ए ओ बराबर साठ रूट थ्री आए, ए ओ ए ओ ही एक्चुअली क्या है, ओ सी है, तो यहाँ पर क्या ओ सी का मान कितना होगा, सेवन रूट थ्री हो गया। तो इस तरह समझ गए आज के लिए इतना ही, साथियों वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें।